Hello students and welcome back. It is said that a picture is worth a thousand words. वैसे ही a graph is worth a millions and millions of data points. Graph क्या होता है? Graph is pictorial representation of function. Pictorial representation होता है function का. Basically function की photo है ये. फंक्शन कैसा दिखता है, फंक्शन कैसे बिहेव करेगा, उसकी फोटो है. इसमें हम क्या करते हैं, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल को एक्स एक्सिस पे ड्रॉ करते हैं और डिपेंडेंट वेरिएबल को वाई एक्सिस पे ड्रॉ करते हैं और इनके बीच में रिलेशन को एक कर्व से रिप्रेजेंट करते हैं. ये ग्राफ कैसे ड्रॉ किया जाता है, इसको समझने के लिए मैंने एक सिंपल एग्जाम्पल लिया है, वाई इक्वल्स टू एक्स माइनस वन. मेरे पास ये एक फंक्शन है वाई इक्वल्स टू एक्स माइनस वन. मैं इस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करूंगा. तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए अभी हमारे पास क्योंकि कोई टूल नहीं है, एकदम बेसिक से शुरुआत कर रहे हैं हम लोग, तो सबसे पहला सबसे बेसिक तरीका अपनाएंगे जिसमें हम एक्स और वाई के बीच में अलग अलग डेटा पॉइंट्स प्लॉट करेंगे. तो अगर मैं एक्स की वैल्यू माइनस टू रख दूँ, यहाँ पर एक्स इज इक्वल टू माइनस टू पर वाई की वैल्यू निकालने की कोशिश करूँ, तो इस इक्वेशन में अगर मैं x की वैल्यू माइनस टू पुट करूं तो y कितना हो जाएगा, माइनस टू माइनस वन माइनस थ्री. x इज इक्वल टू माइनस वन पे ये माइनस टू हो जाएगा, x इज इक्वल टू जीरो पर माइनस वन हो जाएगा. अगर मैं x को वन सब्स्टिट्यूट करता हूं तो y की वैल्यू जीरो, टू पर वन और थ्री पर y की वैल्यू टू हो जाएगी. तो ये आपका y है, ये x है. बेसिकली माइनस टू कॉमा माइनस थ्री, माइनस वन कॉमा माइनस टू, जीरो कॉमा माइनस वन, ये सारे वो पॉइंट्स हैं जिनके थ्रू हमारा ग्राफ पास होना चाहिए. तो अब हम इन पॉइंट्स को इस एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में प्लॉट करेंगे. एक्स इज इक्वल टू माइनस टू एंड वाई इज इक्वल टू माइनस थ्री. एक्स इज इक्वल टू माइनस टू रख लिया हमने तो वाई की वैल्यू माइनस थ्री आती है. मतलब आपका पॉइंट कहाँ आएगा, ये वाला पॉइंट. इस पॉइंट के लिए x की वैल्यू माइनस टू है और y की वैल्यू माइनस थ्री है. ये एक पॉइंट हो गया. दूसरा पॉइंट क्या है, x इज इक्वल टू माइनस वन, y इज इक्वल टू माइनस टू. तो ये पॉइंट कहाँ बिलोंग करेगा, ये पॉइंट फॉल करेगा यहां पर. x की वैल्यू माइनस वन हो गई, y की वैल्यू माइनस टू हो गई. तीसरा पॉइंट है जीरो कॉमा माइनस वन, तो x इज इक्वल टू जीरो है और y की वैल्यू माइनस वन हो गई है. ये तीसरा पॉइंट आ गया. फोर्थ पॉइंट इज वन कॉमा जीरो, दैट इज ये वाला पॉइंट, एक्स की वैल्यू वन, वाई की वैल्यू जीरो. फोर्थ इज टू कॉमा वन, टू और वाई इज इक्वल टू वन, एक्स इज इक्वल टू टू, वाई इज इक्वल टू वन. दिस इज द पॉइंट. एंड आखिरी पॉइंट जो हम प्लॉट करने जा रहे हैं वो क्या है, एक्स इज इक्वल टू थ्री पर वाई की वैल्यू टू है. x इज इक्वल टू थ्री, वाई इक्वल्स टू टू. तो ये वो पॉइंट्स हैं जिनके थ्रू हमारा ग्राफ पास होना चाहिए. तो इस ग्राफ को हम कैसे प्लॉट कर सकते हैं, देखिए ये ग्राफ कभी स्ट्रेट लाइन भी आ सकता है, कभी कर्व लाइन भी आ सकती है, पर इस केस में ये स्ट्रेट लाइन आएगा. तो हम उसको सीधे सीधे इन पॉइंट्स को जोड़ते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे. तो ये हमारे इस इक्वेशन की या इस फंक्शन का ग्राफ हो गया. वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वन के करेस्पॉन्डिंग ये ग्राफ हमारे पास आएगा. इस ग्राफ को अगर हम ध्यान से देखें तो ये छह डेटा पॉइंट्स का यूज करके हमने इस ग्राफ को प्लॉट किया है, पर हम इस ग्राफ से बहुत सारी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं. जैसे लेट्स से आपको पता लगाना है कि अगर x इज इक्वल टू 1.5 है तो ऐसे में y कितना होगा. तो ये हम कैसे पता लगाएंगे, इसके लिए हम x इज इक्वल टू 1.5 के करेस्पॉन्डिंग y की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. कैसे, यहां से हम लोगों ने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करी y एक्सिस के पैरेलल, जिस पॉइंट पर ये ग्राफ को मीट किया वहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी x एक्सिस के पैरेलल, यहां पर पहुंचे. यहां पर आपने y की वैल्यू चेक करी तो इट विल कम आउट टू बी 0.5. तो आपके
एक्स इज इक्वल टू 1.5 पर वाई की वैल्यू कितनी हो गई, 0.5। आप चाहो तो इसको इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करके देख सकते हो, एक्स इज इक्वल टू 1.5 सब्सटीट्यूट किया तो वाई इज इक्वल टू 0.5 आएगा। दिस इज हाउ वी ड्रॉ अ ग्राफ एंड दिस इज हाउ वी एक्सट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अ ग्राफ। सो लेट्स सी हाउ डू द ग्राफ ऑफ सम फंक्शंस लुक लाइक, सम बेसिक फंक्शंस के ग्राफ कैसे दिखते हैं ये प्लॉट करते हैं हम लोग। सबसे पहला मैंने ग्राफ लिया है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। ये ग्राफ कैसा होगा, द ग्राफ विल लुक लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस। ये इस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा, जैसा राइट साइड में वैसा ही लेफ्ट साइड में, और x इज इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी पर भी y की वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ जाएगी, x इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी पर भी y की वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ जाएगी। ये जो शेप बनेगा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, इसको हम कहते हैं पैराबोलिक शेप। ये पैराबोलिक शेप बनेगा। अगर हम y इज इक्वल टू एक्स क्यूब की बात करें तो ये ग्राफ कैसा बनेगा, इसका ग्राफ कुछ इस तरीके का दिखता है। ये ग्राफ भी दोनों तरफ सिमेट्रिक है, जैसा यहां वैसा ही यहां, लेकिन x इज इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी पे y की वैल्यू प्लस इन्फिनिटी होगी, और क्योंकि क्यूब है x इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी पे y की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी हो जाएगी। तो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ कुछ इस तरीके का दिखेगा। अगर आप y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का ग्राफ बनाना चाहो, विच इज अ जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका अगर आप ग्राफ ड्रॉ करना चाहते हो जनरल क्वाड्रेटिक फंक्शन का, तो ग्राफ कैसा दिखता है, ग्राफ दिखता है इसका कुछ इस तरीके का। ये भी पैराबोला है, पर ग्राफ का शेप ऐसा तब नजर आता है अगर ए पॉजिटिव है। अगर ए पॉजिटिव है तो ये अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला है, इसका शेप भी कुछ ऐसा ही होगा, अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला, दोनों का शेप एक जैसा ही होगा। लेकिन अगर a की वैल्यू निगेटिव हो जाए, इक्वेशन वही है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो आपका जो ग्राफ हो जाएगा दैट विल बी लाइक दिस। अब ये जो ग्राफ है इसको देखिए अगर आप ध्यान से, तो ये अभी भी पैराबोला है, पर दिस पैराबोला इज डाउनवर्ड ओपनिंग, ये नीचे की तरफ ओपन है पैराबोला। तो ये आपके कुछ बेसिक ग्राफ्स हुए, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, दो तरीके की क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और एक y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का।